एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये मेकअप मैंने कैसे किया है, करवा चौथ मेकअप लुक है। इसका वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड कर दिया है। हेयर स्टाइल भी उसमें ही अपलोड कर देती बट बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए हेयर स्टाइल की वीडियो अलग से। पहले पहले आपको इस तरीके से ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लेनी है। ओके, देन आपको बैक में ये ईयर टू ईयर पार्टिंग करने के बाद आपको पीछे की तरफ पफ बनाना है। अगर आपके बालों का वॉल्यूम बहुत कम है तो आप बैक कॉम्बिंग भी कर सकते हो, लेकिन बैक कॉम्बिंग ना करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि बैक कॉम्बिंग से बाल उलझ जाते हैं हमारे। हल्का सा ट्विस्ट करना चाहे तो आर्टिफिशियल पफ लेके आप इसके अंदर लगा सकते हो। अगर आपको लगे कि आपका पफ ज़्यादा नीचे है तो आप इस तरीके से हल्का हल्का सा खींच सकते हो। देन आपको ये हेयर लेने हैं, ट्विस्ट करना है। हल्का हल्का इसको खींचना है और बैक साइड में ले जाके यहाँ पे आपको सेट कर देना है क्लिप की मदद से। बैक साइड में लिख लेना है। चाहो तो इसको लेयर्स भी लटका सकते हो और चाहो तो पीछे भी ले सकते हो, लेकिन ब्राइडल मेकअप थोड़ा पीछे अच्छा लगेगा, लेयर भी अच्छी लगती है। मेरे फेस पे मतलब मैं पीछे कर रही हूँ, तो आपको जैसे पसंद आए वैसे आप कर दोगे। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी करना है। इतना बनाने के बाद से पूरे बालों में हमें एक पोनी बनानी है। ना ज़्यादा लो बनानी है ना ज़्यादा हाई बनानी है, मीडियम में बना लेंगे। जाए तो आप इसको दोबारा से ऊपर की तरफ करिए, क्योंकि कई बार कोनी बनाते वक्त हमारा खींच जाता है हेयर स्टाइल। रबड़ लगा लेना वहाँ पे, उसके बाद से आपको यूनिट लेना है और लगा देते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा फैलाना है, चार तरफ फैलो पे। सिंपल ईजी आप खुद से कर सकते हो ये वाला हेयर स्टाइल। ध्यान रखिएगा कि आपका यूनिट दिखे ना कहीं पर भी, बाकी बच्चे बालों को आपको छोटी बना सकते हो या फिर ट्विस्टिंग कर सकते हो। ऐसे लपेट के जूड़ा पिन की मदद से इसको सेट कर दीजिए। दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से बचे हुए बालों की चोटी बनाएंगे। और ऊपर की तरफ लेके आएंगे और यहाँ पे जूड़ा पिन की मदद से इसको सेट कर दीजिए।
तीन चार जोड़ा पिन अच्छे से लगा लीजिए ताकि आपका हेयर स्टाइल खुले ना। ओके, इधर आप गजरा लगा सकते हो, मैंने ये वाला गजरा लिया है यहाँ पर। तो ये ऑलमोस्ट आपका हेयर स्टाइल भी कंप्लीट हो चुका है। अच्छा हो तो जैसे आपने हेयर स्टाइल बनाया है वैसे ही रहे, उसके लिए आप स्प्रे ले सकते हो और स्प्रे को हल्का हल्का सा दूर से ऐसे कर दोगे तो आपका बाल जैसे आपने बनाया है वैसे का वैसे रहेगा, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा। ओके, तो ये हमारा हेयर स्टाइल भी कंप्लीट हो गया है। इसको मैंने मंगाया था मीशो से, ये मुझे 200 रुपये में मिला था। बहुत ही अच्छा स्प्रे है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। अब मैं यहाँ पे टीका फ्राई करूँगी, कर लीजिए ना नीचे। तो गाइज ये हेयर स्टाइल का फाइनल लुक देख सकते हैं आप लोग, बहुत ईजी है, आप खुद से भी बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप ब्राइडल पे ही करोगे, आप खुद से भी कर सकते हो अगर आपकी नई नई मैरिड हुई है, न्यू मैरिड हुई है और अभी 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 शादी अटेंड करना चाहते हो तो साड़ी और गाउन वन हेयर स्टाइल बना सकते हो। और ये जो मैंने मेकअप किया है इसका वीडियो भी इससे पहले वाली वीडियो है अपलोड कर दी है, तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा जाके और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और हेयर स्टाइल अच्छा लगा, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा और ये मेकअप लुक का वीडियो जरूर देखिएगा जाके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ इंडियन यूट्यूबर प्रीति वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।